वेलकम एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्रोम डेवलपर टूल्स के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, हम अपना एक फाइल कोई बना लेते हैं HTML का, डेवलपर टूल्स। तो डेव टूल्स, ठीक है, शॉर्ट में है डेव टूल्स, डेवलपर टूल्स यहाँ पे हमने बना लिया है। और सबसे पहले बॉयलर प्लेट लगा लेते हैं। बॉयलर प्लेट मैंने आपको बता चुका है, ये करिए और आपका आ गया बॉयलर प्लेट। ठीक है, डेव टूल्स, ओके। तो डेव टूल्स को समझने के लिए हम लोग पहले यहाँ पे एक स्टाइल शीट लगा लेते हैं। ठीक है, स्टाइल अब इसका यूज़ करेंगे। एक यहाँ पे H2 का लगा देते हैं, H3 का टैग लगा लेते हैं। ठीक है, और हम पढ़ेंगे डेव टूल्स, ओके। और एक पैराग्राफ लगा लेते हैं, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डेव टूल्स। तो अगर आप क्रोम यूज़ कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा, हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप क्रोम यूज़ करिए, ठीक है, डेवलपर टूल्स समझने के लिए, क्योंकि ये गूगल की तरफ से है और बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड करता है। और अगर आपके पास कोई, जैसे अगर आप यूज़ कर रहे हैं ओपेरा या फायरफॉक्स, तो उसमें भी होगा डेवलपर टूल्स, उसमें भी होते हैं, सिमिलर होते हैं इसके, जैसे सारे ही होते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई अच्छा रीज़न नहीं है कि ओपेरा यूज़ करें या फिर मोजिला यूज़ कर रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप क्रोम ही यूज़ करिए। तो सबसे पहले हमारा जो पुराना सर्वर है उसको, वो चल रहा है, उसको बंद करके अपना सर्वर स्टार्ट करेंगे। दोबारा सर्वर स्टार्ट हो गया है, हम लोग ये अपना बंद करेंगे। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारा ये हमारा हेडिंग है और ये पैराग्राफ है। ठीक है, बड़ा इसलिए क्योंकि मैंने इसकी फॉन्ट साइज़ बढ़ा रखी है, ठीक, समझने के लिए। चलिए छोटा कर लेते हैं, ओके। ठीक है, तो अगर हमको डेवलपर टूल्स समझना है तो ये जैसे हमारी ये हेडिंग है, ठीक है, तो इस पर हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम देख सकते हैं इंस्पेक्ट आ रहा है ऑप्शन, इंस्पेक्ट, कंट्रोल शिफ्ट और आई ये भी दबा सकते हैं। और आप इसे क्लिक करेंगे तो ये हमारा क्रोम का डेवलपर टूल आ गया। और आप इसमें देखिए होवर कर रहे हैं, तो ये देखिए कुछ ऐसे ऐसे कर रहा है। ठीक है, तो ये है क्या बेसिकली, ये जो डेवलपर टूल्स हैं हमारा, ये हेल्प करता है डेवलपिंग के लिए, जैसे डेवलपिंग के लिए नहीं करता है पूरा प्योरली, हम लोग बस इससे हिंट ले सकते हैं। हम लोग के लिए ये एक टेम्प्रेरी हम लोग का जनरेट कर देता है। जैसे अगर मान लीजिए ये हेडिंग, ठीक है, तो हम हेडिंग पे ले गए तो यहाँ पे लिखा है ये आपका, ये जो हमारा HTML डॉक्यूमेंट है, मार्कअप है, वो यहाँ पे आ रहा है। देखिए हमने क्या क्या यूज़ किया था, हेड यूज़ किया था, हेड में हमारा ये था, यहाँ स्टाइल लगाया, अंदर कुछ यूज़ नहीं किया है, देख सकते हैं हमारा पूरा मार्कअप यहीं पे बैठा हुआ है। ठीक है, ये देखिए यहाँ टेक्स्ट स्क्रिप्ट जावा स्क्रिप्ट क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारा वो लाइव सर्वर चल रहा है यहाँ पे, ये लाइव सर्वर तो कुछ नहीं कर रहा है, लास्ट में वो जावा स्क्रिप्ट खुद से ऐड कर रहा है जिसकी वजह से हमारा लाइव आ रहा है। तो वहाँ तक हमको नहीं देखना, ये देखिए लिखा ना कोड इंजेक्टेड बाई लाइव सर्वर, तो वो वहाँ पर है नहीं, यहाँ तक हम लोग आएगा। ठीक है, तो हम लोग का ये HTML है। अब ये देखिए, अब नीचे आप देख रहे हैं तो ये स्टाइल है, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, दिखा देता हूँ। ये देखिए ये यहाँ पे देख रहे हैं स्टाइल, तो यहाँ पे H3 दे रहा है, H3 की ये कुछ CSS प्रॉपर्टी डिफाइन किया है। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने तो कुछ ये प्रॉपर्टी डिफाइन ही नहीं की है, CSS यूज़ ही नहीं किया, तो ये कहाँ से आ रहा है? तो आप उसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है यूज़र एजेंट स्टाइल शीट। इसका क्या मतलब है, बाय डिफॉल्ट जो हमारा क्रोम जो सेट करके रखा हुआ है H3 का, वो ये है बाय डिफ़ॉल्ट, मतलब हमने चेंज नहीं किया है। अगर हम इस पर कुछ एडिटिंग नहीं करते हैं, कुछ प्रॉपर्टी नहीं लगाते हैं, तो वो ये CSS यूज़ करता है और ये इसके मदद से ये शो कर रहा है। तो मतलब इसकी भी तो कुछ कुछ प्रॉपर्टी होगी पहले से, अगर हम नहीं सेट कर रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे H3 की प्रॉपर्टी ये सेट हो रखी है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो कुछ तो प्रॉपर्टी से सेट होनी है, तभी तो पता चल रहा है इसको कितना डिस्प्ले होना है, कितना बड़ा हो रहा है। कैसे पता चलेगा, H3 टैग है जो उसका बड़ा होता है, H1 बड़ा होता है सबसे, तो कुछ तो यहाँ पे उसका बाय डिफ़ॉल्ट होगा, तो वही बाय डिफ़ॉल्ट ये दे रहा है कि ये पहले से क्या हो रखा है। ठीक है, ये आप जो देख रहे हैं ये है आपका बॉक्स मॉडल। ठीक है, ये बॉक्स मॉडल क्या बताता है, ये पैडिंग हो गई। ठीक है, ये आपका मेन कॉन्टेंट है। ठीक है, कॉन्टेंट के बाहर पैडिंग, जो हम लोग पैडिंग यूज़ करेंगे ये उसको पैडिंग सेट करने के लिए, और ये बॉर्डर है। ठीक है, और ये मार्जिन है, तो ये आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, ये बस हेल्प करता है समझने के लिए कि मार्जिन क्या होता है। देखिए मार्जिन क्या होता है, जो ये पूरा लगा हुआ है, ये यहाँ पे मैं इसे समझा नहीं सकता हूँ, ये आप देखिए जो इसका पूरा एरिया, ये वाला एरिया देखिएगा, ये वाला, ठीक है, ये इसका मार्जिन है। ठीक, बॉर्डर, बॉर्डर नहीं शो हो रहा है क्योंकि बॉर्डर हमने लगाया नहीं है, तो बॉर्डर पैडिंग के ऊपर की होती है। तो पैडिंग क्या है, पैडिंग भी ये है जो मतलब इनके बीच में, ये देखिए जो जगह खाली है, जो वाइट स्पेसेस है वो पैडिंग है, जो वाइट स्पेस आपको दिख रही है वो पैडिंग है। ठीक है, और ये आपका मेन कंटेंट है, सिमिलरली इसके तरह से। तो आपको अभी मैं समझाता हूँ कि ये कैसे हम लोग ये डेवलपर टूल्स को यूज़ करेंगे। आप सोच रहे होंगे मैं इसका कर क्या रहा हूँ, तो अभी बताता हूँ। ठीक है, अब आप ये पॉइंटर देख रहे हैं, ये पॉइंटर, ठीक है, सेलेक्ट एन एलिमेंट, ठीक है, तो
इसको क्लिक कर देंगे, और अगर आप किसी पे भी ले जाएंगे तो वो उसका पूरा जो जो लगा हुआ है प्रॉपर्टी वो दिखाएगा। जैसे मैं इस पे ले गया H3, सही है। इसका कलर क्या है, ये है फॉन्ट, ये देखिए फॉन्ट उबंटू ऐसे क्यों दे रहा है, क्योंकि मैं उबंटू यूज़ कर रहा हूँ तो उसका जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट है वो ये है, ठीक है। और ये क्या है, बॉडी, बिल्कुल सही बात है। बॉडी क्या है, बॉडी में हमने बॉडी में ये बनाया, ठीक है। ये क्या है, पी टैग, ठीक है। ये देख रहे हैं, ये इधर भी देखिएगा, इधर भी कैसे शिफ्ट हो रहा है, ये देखिए, ठीक है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये पी पे मुझे लेते आया, ठीक है। और यहाँ पी पे पी की डिफ़ॉल्ट वैल्यू बताने लगा, ठीक है। अब यूज़ क्या है, अगर आप कोई वेबसाइट देखते हैं, ठीक है, अगर मैं इस पे देखिए डेव टूल्स लिखा ना, मैं यहीं पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे डबल क्लिक किया हूँ, और आप देखिए बस देखते जाइएगा डेवलपर। अब मैं जैसे एंटर करूँगा, ये देखिए यहाँ पे चेंज हो गया, मैंने यहाँ से इसको चेंज कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे हमारा जो HTML पेज है वो भी चेंज हो गया होगा, ज़रा देखा जाए, अरे यहाँ पर तो डेव टूल्स ही है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये जो डेवलपर टूल्स है हमारा, ये जो पूरा टूल आपको दिख रहा है, ये हेल्प करता है टेम्प्रोरी जनरेट करने के लिए। ये परमानेंट नहीं कर पाएगा चेंज, परमानेंट नहीं चेंज होगा, परमानेंट चेंज आपको यहीं पे आगे VS कोड में ही चेंज करना पड़ेगा, या फिर जो भी आप एडिटर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो बस ये क्या कर रहा है, ये आपको हेल्प करता है कि आप चेंज करके यहीं से देख सकते हैं कि वो कैसा दिख रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी आपको समझाता हूँ, यहाँ पर मान लीजिए आप स्टाइल है, ठीक है, मैं H3 को यूज़ करता हूँ, H3 का, ठीक है। फॉन्ट कलर यूज़ करते हैं, ठीक है ना, तो कलर कलर, ठीक है, कलर आप क्या चाहते हैं, रेड टोमेटो, चलिए टोमेटो, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर BG कलर, ठीक है, BG कलर वाइट हो रखा है, नहीं वाइट नहीं चाहिए हमको, तो क्या कर दूँ, क्रिम्सन वाइट है करके देखते हैं, वाइट है, और कौन सा है, वीट है, थ्री सेल कर लेते हैं, चलिए दिखेगा, इसको सेव करते हैं, ठीक है। अब ये देखिए हमारा ये बाय डिफॉल्ट ये हो गया, ठीक है, चेंज हो गया, यहाँ पे मैंने इसको सेव किया और ये चेंज हो गया, ठीक है। अब ये देखिए हमारा H3, यहाँ पे इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, अच्छे से दिखेगा। ये जो H3 है हमारा यहाँ पे, ये डिफ़ॉल्ट क्या था, डिफ़ॉल्ट इसकी प्रॉपर्टी ये थी, ठीक, हमने वहाँ पे चेंज किया और हमारी प्रॉपर्टी यहाँ पे ये H3 दिखाने लगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे लिख रहा है devtools.html, क्यों, क्योंकि ये आपका दिखा रहा है कौन सा HTML है। अगर आप ऐसे अच्छे से देखेंगे और उसको एक्सपेंड करेंगे तो देख सकते हैं ये हमारा, ये जो देखिए ये हमारी HTML डॉक्यूमेंट आ गई, यहाँ से लेके यहाँ तक सेम आएगी, सेम ये पूरी मिला लीजिएगा, ये सेम आएगी। और ये जो है ये स्क्रिप्ट, ये आपका लाइव सर्वर के लिए, तो उसको इग्नोर करिए, वो पार्ट इग्नोर करिए, वो हम लोग के लिए नहीं है, ठीक है। तो देख सकते हैं ये आ रही है, तो इसने यहाँ पे चेंज करने पे हमारा यहाँ पे पता चल गया हमको कि कहाँ से आ रही है। अब एक बार दोबारा इस पर करते हैं, और अगर इसमें यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये जो इसकी H3 की प्रॉपर्टी है वो कलर यहाँ पे है जो हमने सेट किया, ये क्या है, ये है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये टूल्स का अच्छा यूज़ क्या है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब मैं देखना चाहता हूँ कि अगर इसका कलर कुछ और रहता, जैसे मैं वहाँ चेंज करके यहाँ पे देख रहा हूँ, ठीक है, मैं यहीं से देख कर वहाँ पे चेंज करूँगा। मैं अब तक क्या कर रहा था, यहाँ पे चेंज कर रहा था और फिर यहाँ पे आके देख रहा था कि अच्छा है या नहीं है। अब मैं यहाँ पे देख लूँगा पहले कि कैसा लग रहा है, फिर आके यहाँ पे चेंज कर लूँगा। मैं अभी समझाता हूँ, जैसे आपको लगता है कि ये डेवलपर टूल्स यहाँ पे जो लिखा है, ठीक है, इसका कलर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं मुझे कलर दूसरा चाहिए, तो मैं एक बार ब्लू करके देखता हूँ, अरे ये तो कलर चेंज हो रहा है, ये देखिए कलर चेंज हो रहा है। आपको लग गया कि हाँ ये कलर बहुत अच्छा है, ये कलर मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो कुछ नहीं, ये आपने सेलेक्ट कर लिया है, ठीक, अब कुछ नहीं करना है, ये वाली जो प्रॉपर्टी है या फिर इतना ही है, ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी जो है कलर वाली, इसको यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए, ये कॉपी कर लिया कंट्रोल सी और यहाँ पर आए, और ये हमको अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने इसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब सेव कर लीजिए, अब देखिए, अब मैं रिफ़्रेश करके तो देखूँगा ये यही कलर हो गया। तो मतलब आप देखें यहाँ पे हम पहले देख लिए कि हमको क्या अच्छा लग रहा है, और फिर वहाँ पे आके मैंने, यहाँ पे आके मैंने चेंज कर लिया। ऐसे ही हम लोग यूज़ करते हैं डेवलपर टूल्स, कि हमने वेबसाइट कोई बनाई, ठीक है, उसकी हम लोग यहाँ पे टेस्ट यहाँ बना लेते हैं, फिर यहाँ पे देखते हैं, अब अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को, ये अच्छा नहीं लग रहा है, बैकग्राउंड कलर नहीं अच्छा लग रहा है, ठीक है, बैकग्राउंड कलर मैं सेलेक्ट किया और क्या अच्छा लग रहा है मैं ये देख लूँगा। मान लिया ये इस पर ले जाता हूँ, नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये नहीं अच्छा लग रहा है, बहुत है, ठीक है, ये और हाँ मेरे को ये अच्छा लग गया, ठीक, कुछ नहीं मैं करूँगा, यहाँ पर आया, या फिर ये कलर कोड ही कॉपी कर लूँगा, ये कलर कोड है ना, ठीक है, कलर कोड आगे बताऊँगा, CSS में यूज़ कर रहे हैं ना, CSS में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, या फिर पूरा ये टैग ही कॉपी कर लीजिए, ये कॉपी करके
आइए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, आपको कलर चेंज हो जाएगा। अभी मैंने कॉपी पेस्ट नहीं किया तो कर सकते हैं, ठीक है। और किस लिए हेल्पफुल है? अब ये देखिए, आप यहाँ पे दो बॉक्स दिख रहे हैं, टिक बॉक्स। क्या है इसका रोल? अगर आपने यहाँ पे सेट किया हुआ है, कोई दो प्रॉपर्टी लगा रखी है, आप उस एक को यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो इसको हटा देंगे। इसके बिना कैसा लग रहा है? तो ये देखिए, ये इस पर देखने स्ट्राइक थ्रू लग गया है, कट गया, ये यूज़ नहीं हो रहा है और बस ये वाला यूज़ हो रहा है। मैंने यहाँ पर लगाया है, अगर आप रिफ़्रेश करेंगे तो ये वापस आ जाएगा, क्योंकि ये टेम्प्रोरी है, परमानेंट नहीं है। लेकिन फिर भी टेस्ट करने के लिए ये आपको बहुत हेल्पफुल है। अब एक एग्जांपल अच्छे समझते हैं। मान लीजिए, और क्या है, दूसरी वेबसाइट है कोई, मैंने बूटस्ट्रैप किया, वेबसाइट खोल रखी है। ये बूटस्ट्रैप आप हम लोग आगे पढ़ेंगे, CSS के बाद पढ़ेंगे कि क्या होता है, इससे रिस्पॉन्सिव साइट्स बनाने के लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर डेवलपर टूल समझने हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर खोल लेंगे इंस्पेक्ट, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट आई भी दबा सकते हैं, इंस्पेक्ट खुल गया, बहुत बढ़िया। अब हम चाहते हैं ये जो हमारा नेविगेशन बार है, इसका कलर मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। या फिर हमको लग रहा है कि ये, मान लीजिए वेबसाइट हमने बनाई है और हमको लग रहा है कि ये कलर हमको अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ और कलर करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आएंगे, ये वाला पॉइंटर सेलेक्ट करेंगे और पहले ला देंगे इसको। ये देखिए, अलग अलग सब पे सेलेक्ट हो जाएगा, तो हमको पूरा नेविगेशन बार सेलेक्ट करना है। सर सेलेक्ट कर लिया, तो ये हमारे इसके HTML पे लेते आएगा और साथ में यहाँ पर इसका CSS लेते आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, CSS में इसका जो नेविगेशन बार है, इसके जो ये क्लास है BD नेव बार, इसका बैकग्राउंड कलर ये सेट है। अब ये तो चेंज करना है हमको, यहाँ पे क्लिक किया और मान लीजिए येलो में देखते हैं, येलो में कैसा लगता है। अरे यार, ये तो येलो में चेंज हो गया। ये देखिए देखिए कैसे चेंज हो गया, मतलब ये थी कोई ऑफिशियल वेबसाइट है, हमने उसको उठाई और चेंज कर लिया। लेकिन अगर आप ये सोच रहे होंगे, अरे हमने तो पूरा वेबसाइट का ही कलर चेंज कर दिया, बिल्कुल भी नहीं। ये क्या है, टेम्प्रोरी चेंज है, ठीक है। टेम्प्रोरी चेंज मतलब ये बस आपको दिखेगा, कोई और बंदा इस वेबसाइट को खोलेगा getbootstrap.com तो उसको नहीं दिखने वाला, उसको वो पुराना वेबसाइट दिखेगा। ये बस आपके लिए है डेवलपर टूल्स, ये बस आपके, ये जो वेब पेज खुला हुआ है बस उसी के लिए है। अभी इसको रिफ्रेश करेंगे फिर वापस वही कलर हो जाएगा। मैं रिफ्रेश अभी नहीं कर रहा हूँ बस, क्यों, क्योंकि समझाना है मुझे, ठीक है। अब मान लीजिए, ठीक है, ये कलर आपको अच्छा लग गया तो आप कुछ नहीं, अगर आपकी वेबसाइट है तो ये आप ये कॉपी करेंगे और अपने जहाँ पे इसने आपको होस्ट किया है वेबसाइट को, उसके जाएंगे कोड में और चेंज कराएंगे। कितनी अच्छी बात है। और उससे कुछ आप मतलब ट्राई भी कर सकते हैं, मस्ती भी कर सकते हैं। जैसे मस्ती कैसे, मैं कह रहा हूँ ये जैसे लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आया, हाँ ये सेलेक्ट हो गया, ये देखिए इसका यहाँ पे आ गया, ये HTML आ गया, ठीक है। यहाँ पे ये जो H1 में लिखा हुआ है, यहाँ यहीं पता चल गया। अब आपको मस्ती क्या करनी है, ठीक है, मस्ती हम लोग को ये करनी है, देखिए ये देखते रहिए, मैंने लिख दिया यहाँ पे, कुछ लिखा है और एंटर। अरे ये क्या हो गया, ये देखिए हमने वेबसाइट का जो हेडिंग थी वही चेंज कर दिया है, हेलो देयर वी आर प्लेइंग। ये देखिए हम लोग ने अब किसी, आप अब क्या करना है, इसको हटाइए एक बार, हाँ अब देखिए ये वेबसाइट, ये बस हम लोग दिखेगा, ये टेम्प्रोरी चेंज है। लेकिन फिर भी देखिए कितना आप इसे सीख भी सकते हैं, मस्ती भी कर रहे हैं कि मतलब हाँ ये चेंज कर रहे हैं। अगर आप अपने दोस्तों को दिखाएंगे कि हाँ भाई ये क्या, देखो ये मैंने, ये मेरी वेबसाइट है, मैं इसको चेंज कर दिया हूँ, बस कुछ मत करिएगा, रिफ्रेश मत कर दीजिएगा, क्योंकि रिफ्रेश जैसे ही किया आपने वो पुरानी वेबसाइट हो जाएगी। तो मतलब आप ये ट्राई कर सकते हैं, इसमें बहुत कुछ सीखने को है, ठीक है। तो ये सीख सकते हैं आप, जैसे अब मैं और इंस्पेक्ट करके बता देता हूँ, ठीक है, जल्दी जल्दी बता देता हूँ। जैसे ये बटन है तो बटन का कलर चेंज करना है, तो मतलब आप यहाँ पे एक बार ट्राई कर सकते हैं कि जैसे हाँ ठीक है, इसका ये जो पैडिंग है ये अच्छी नहीं लग रही, ये आइकन है, आइकन थोड़ा इधर रहता उधर रहता तो फिर क्या हो रहा है। जैसे मान लीजिए ये आइकन है, आइकन सेलेक्ट किया मैंने, ठीक है, ये आइकन थोड़ा सा इसका कुछ बहुत ही, इसमें CSS बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, ठीक है, थोड़ा मुश्किल है समझना, लेकिन फिर भी मतलब ट्राई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ सकते हैं। देखिए इसमें बहुत सारे CSS यूज़ किए हैं, भर भर के CSS हैं, तो मतलब ये तो बहुत अच्छी वेबसाइट है, तो इसलिए ऐसा है, ठीक है। अगर कोई ऐसी कोई वैसी वेबसाइट रहती तो फिर इतना नहीं मिलता। ये देखिए इसमें H है, E है, ये B देखिए, ये जो B है हमको लग रहा था पूरा आइकन है, लेकिन अभी पता चला ये आइकन नहीं है, ये जो B है, ये अभी मेरे को पता चल रहा है, ये जो B है ये आइकन का पार्ट नहीं है, ये अलग से B लगाया गया है, तो वो यहीं से पता चला है, ठीक है। ये देखिए इसका पाथ पूरा डिफाइन है, तो इसका कलर ये जो वाइट है, ये वाइट हो रखा है, वो वाइट हो रखा है, ये देखिए चेंज कर दिया मैंने, रेड हो गया, देखा आपने। मेरे को लग रहा था क्या कि ये आइकन है पूरा, ये आइकन नहीं है, लेकिन ये जो बी है अलग से लिखा हुआ है, वो बस यहाँ से देखने से पता चला। तो यही बात है, मतलब अगर आप ट्राई करेंगे तो ये सीखने को मिलेगा आपको कि ये क्या वेबसाइट है। अगर आप एकदम बिगनर हैं तो थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, लेकिन आप दूसरों की वेबसाइट देख देख के ही बहुत कुछ सीख सकते हैं कि ये क्या यूज़ किया है, कैसे यूज़ किया है। तो इसने ये एक आइकन अलग है, एक आइकन ये अलग है, एक आइकन ये अलग है, तीन लेयर है इस पर, और ऊपर ये फॉन्ट लगा हुआ है,
तो ये नहीं, ऐसा नहीं है ये पूरा होल है, ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग ने देखा कि तीन अलग अलग पार्ट दिखा रहा था, तो ये बहुत जानने को मिलता है हम लोग को अगर आप यूज़ करेंगे तो, ठीक है। तो डेवलपर टूल्स में बहुत कुछ है, जैसे यहाँ पे और भी बहुत कैटेगरी है इसमें, कंसोल भी आएगा, ठीक है, स्टाइल है, ठीक है, कंसोल है, कंसोल क्या है, जो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट कर सकते हैं हम लोग, जावास्क्रिप्ट अभी पढ़ेंगे तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करके देख सकते हैं कंसोल में क्या हो रहा है। कंसोल का यूज़ बेसिकली टर्मिनल के लिए होता है, ठीक है। सोर्स क्या है, सोर्स बता रहा है कि कौन कौन सी फाइल्स हैं, जैसे अगर हम अपने वापस इसमें आ जाते हैं, ठीक है, ये अपने वाले वेबसाइट में सोर्स में जाते हैं, कहाँ है, ठीक है, ये कंसोल है, ये सोर्स, ठीक है, तो सोर्स में हम लोग का ये HTML फाइल दे रहा है, ठीक है। वहाँ पे नहीं समझ में आ रहा था क्योंकि वो बहुत मैसी था, वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया था, लेकिन हमारे सोर्स में ये पता चला, तो और भी बहुत है, नेटवर्क है, परफॉर्मेंस, मेमोरी, ये सब इतनी जानने की ज़रूरत हम लोग को नहीं है। हम लोग का बेसिक यहाँ पे रहेगा कि एलिमेंट्स में कैसे यूज़ करते हैं, और कंसोल जानेंगे जब हम जावास्क्रिप्ट जानेंगे तो बेसिकली ये जान लीजिए कि टेम्प्रोरी है, ये आपको बस हेल्पफुल इसलिए है कि आप इसको यूज़ करके देख सकते हैं कि क्या कैसा लग रहा है, और इसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि परमानेंट चेंज हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे कुछ अच्छा लगता है तो उसको कॉपी करिए और लाइए यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, तो ये इस तरह आपका डेवलपर टूल्स बहुत हेल्पफुल है। तो इसको ट्राई करिएगा, एक्सप्लोर करिए, जितना एक्सप्लोर करेंगे उतना सीखने को मिलेगा, मैं तो इतना ही कहूँगा, जितना आप एक्सप्लोर करेंगे उतना सीखेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।